नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, और अपने फ्रेंड्स को भी बोले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ में अंत तक बने रहें। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है सबनेटिंग। ओके, तो अब चलते हैं हम सबनेटिंग के अंदर आगे की ओर चलते हैं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं सबनेट मास्क। ओके, तो सबनेट मास्क के बारे में आपने सभी ने पढ़ ही रखा होगा आई थिंक, और नहीं भी पढ़ रखा है तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, हमने अभी तक क्या देखा, जैसे ये एक नेटवर्क है। ओके, और इस नेटवर्क को हमने, ये पूरा नेटवर्क था और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे नेटवर्क है, 0 से, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, 0 से 126। और ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया 0 से 127, और ये वाला 128 से 225। ठीक है ना, तो ये जो व्यू है वो क्या है, लॉजिकल व्यू है। रियल में देखिए किस तरीके से होता है, जैसे ये आपका नेटवर्क है। ओके, और यहाँ पे एक राउटर है। ओके, ये पूरा नेटवर्क राउटर है। अब हमने क्या किया, इसको दो नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दिया इस तरीके से। दो नेटवर्क, फर्स्ट जो हमारा नेटवर्क की आईपी एड्रेस है वो गई 0 से 127, नेक्स्ट की हो गई 128 से 255। ओके, जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लिया ये एक राउटर है बाहर से, और ये कोई पैकेट भेजना चाहता है इस नेटवर्क के अंदर। तो जैसे मान लिया कि ये पैकेट है, ये मैसेज है, और इसके अंदर ये है इसका मैसेज, और मान लिया कोई इसका सोर्स एड्रेस है, और इस डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर वो डेटा भेजना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है, पैकेट भेजना चाहता है। तो मान लिया इसका आईपी है 200.1.2.0। ओके, तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 200.1.2.0। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये नेटवर्क के और ये राउटर एक्सटेंडर। अब जैसे यहाँ से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये तो पूरा एक नेटवर्क है, 200.1.2.0 तो एक नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क की आईडी है, नेटवर्क आईडी है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा ये तो पूरा नेटवर्क है। फिर जब ये यहाँ आएगा तो इसको पता चलेगा कि ये तो नेटवर्क ऑलरेडी सब डिवाइडेड है। तो एक कन्फ्यूजन सिचुएशन आ जाएगी राउटर के लिए कि इसको ये जो पैकेट है वो इसको भेजना है, क्योंकि इसकी नेटवर्क आईडी भी क्या है, 200.1.2.0 हमने देखा है पिछले वाले वीडियो के अंदर। ओके, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस वाले नेटवर्क के पास पैकेट भेजना है, इस वाले नेटवर्क के पास। ओके, चलिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर इस राउटर ने पैकेट भेजा है इस राउटर के पास, इंटरनल राउटर के पास, इसको यहाँ से पता चल गया कि दो नेटवर्क के अंदर डिवाइडेड है। अब ये राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये पैकेट इस वाले नेटवर्क को भेजना है, इस वाले नेटवर्क को भेजना है। हम ऐसे विजुअली देखे तो बता सकते हैं कि 200.1.2.0 आ रहा है तो किस रेंज में आ रहा है, 0 से 127, पर हम जानना चाहते हैं कि राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि पैकेट इसको ही भेजना है, इसको नहीं भेजना है। ये चीज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और इसको बोलते हैं हम सबनेट मास्क। जो आइडेंटिफाई करेगा वो किसके थ्रू करेगा, सबनेट मास्क। ओके, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए, सबनेट मास्क क्या काम करता है, इज यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क आईडी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते कैसे। अब देखिए, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है डिफॉल्ट, वो क्या होता है, 255.0.0.0। क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है डिफॉल्ट, वो क्या होता है, 255.255.0.0। क्लास सी का होता है 255.255.255.0। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आईए एग्ज़ाम है, या जो एग्ज़ाम जिनके अंदर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, या अगर आपने प्रोग्रामर फाइट करे, एसी फाइट करे, लेक्चर अगर उनके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ दीज क्लासेस। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हो किसका पढ़ रहे हैं, क्लास सी। देखिए, 200.1.2.0, 200 वाली आईपी किसके अंदर आती है, क्लास सी के अंदर। ओके, तो देखिए अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, आखिर हम किस तरीके से करेंगे ये।
मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हमें फाइंड करना है कि इस राउटर का सबनेट मास्क क्या होगा, तभी तो पैकेट इधर उधर जाएगा। तो देखिए इसका सबनेट मास्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। क्लास सी है, रेंज क्या है 200 वाली रेंज है, तो क्लास सी, तो इसका डिफॉल्ट आईपी सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255 ये तो हो ही जाएगा। फिर लास्ट की 8 बिट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हम क्या करते हैं जब भी हम सबनेटिंग करते हैं, जैसे ये हमारा नेटवर्क आईडी पार्ट है और ये हमारा होस्ट आईडी पार्ट है, तो हम क्या करते हैं होस्ट आईडी बिट को नेटवर्क आईडी की तरफ मूव कराते हैं, या होस्ट आईडी बिट को नेटवर्क आईडी बना देते हैं। ओके, होस्ट आईडी बिट को हम नेटवर्क आईडी बिट के अंदर काउंट करें, जैसे यहाँ तक था नेटवर्क आईडी, तो हम क्या काउंट करेंगे यहाँ तक, ये कंसेप्ट है। ओके, तो अब देखिए हमने इस नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने बिट का यूज़ किया। एक क्या बताया था, अगर एक बिट यूज़ करूँगा तो नेटवर्क कितने आईडी के अंदर डिवाइड होगा, 2 की पावर 1 2। दो बिट यूज़ करूँगा तो 2 की पावर 2 4। 3 बिट यूज़ करूँगा 2 की पावर 3 8। ओके, तो ये बिट है, 1 बिट 2 बिट 3 बिट। तो जितनी बिट का यूज़ हम नेटवर्क आईडी को सॉरी नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए करेंगे, वो बिट क्या करेंगे यहाँ पे ऑन हो जाएगा, उसको हम 1 रखेंगे। तो कितनी बिट का यूज़ किया मैंने, 1, तो ये बिट क्या हो जाएगी 1, और बाकी जो होस्ट आईडी है बच्चों वो सारी क्या हो जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो अब ये जो सबनेट मास्क निकल के क्या आ गया, देखिए 255.255.255। अब देखिए इसका वेट कितना है, मैंने आपको बताया था 128, इसका वेट क्या है 64, पर ये सारे जीरो है तो इसका यूज़ नहीं है, तो इसका क्या जाएगा सबनेट मास्क 255.255.255.128। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी भी नेटवर्क की आईपी है जैसे ये, ओके, इस आईपी को हम सबनेट मास्क के साथ एंड करेंगे, क्या करेंगे एंड, लॉजिकल एंड। ओके, बिट वाइज लॉजिकल एंडिंग, वहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास नेटवर्क आईडी, जो ये नेटवर्क आईडी निकल के आएगी उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये पैकेट, इस राउटर को पता चल जाएगा कि मुझे ये पैकेट इस नेटवर्क में भेजना है, इस नेटवर्क के अंदर भेजना है। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ना। आईपी, ओके, तो आईपी कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं, ये 200, तो इसको मैं क्या बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, एक बार मैं आपको डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो 200 को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 128, फिर 192 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा 128 64 32 16, और ये 8 है ना, फिर ये 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया 200, फिर 1 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1, 2 को 1 2 3 4 5 6, ओके, और 0 को 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक ये विजिबल है, हाँ विजिबल है ना। ओके, इसको थोड़ा और घुमा लेता हूँ। चलिए ये क्या हो गई आईपी, अब नेट, अब मैं यूज़ क्या यूज़ करूँगा सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या है ये, इसको भी मैं बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 255 क्या हो जाएंगे सारे वंस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और लास्ट में क्या है हमारे पास, 1 बिट 1 है, बाकी सारे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसका क्या करेंगे एंड, तो हमारे क्या निकल के आएगा नेटवर्क आईडी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये पैकेट कौन से राउटर के पास नेटवर्क के पास भेजना है। ओके, तो देखिए लॉजिकल एंडिंग आपको पता ही है, एंड के अंदर 0 को एंड किया किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या आएगा 0, 1 को एंड किया 0 के साथ क्या आएगा 0, 0 को एंड किया 0 के साथ क्या आएगा 0, 1 को एंड किया 1 के साथ क्या आएगा 1, जब 1 1 होंगे सेम नंबर मिलेंगे, सेम बाइनरी, ओके 1 1 मिलेंगे तभी आउटपुट आएगा 1। चलिए 1 और 1 क्या आएगा 1, 1 और 1 1, 0 0 1 और 1 1 0 और 1 0 0 और 1 0 0 और 1 0। ओके, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नेक्स्ट ऑक्टेट देखिए
01 00 01 00 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
0 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
वन क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पे देखिए सारे जीरो है, तो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। 5, 6, 7, 8, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे ये ऊपर लिख लूँ तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये क्या है आईपी, ये वाला 200.1.2.0। और ये क्या है सबनेट मास, क्या था सबनेट मास, 255.255.255.128। ठीक है, हमने देखा 128 कैसा आया। अब इसको हम एंडिंग कर दी, तो ये हमारी हो गई नेटवर्क आईडी। इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख लूँ मैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 128 + 64 = 192 + 12488, ये हो गया मेरे पास निकल के 201, ये 1 और 2, और देखिए क्या 0। तो नेटवर्क आईडी क्या निकल के आ गई, 200.1.2.0। ये नेटवर्क आईडी आ गई जब राउटर ने इस आईपी को अपने सबनेट मास्क के साथ एंड किया, तो नेटवर्क आईडी क्या निकल के आई, 200.1.2.0। इसका मतलब ये पैकेट किसके पास जाना चाहिए, इस वाले राउटर के पास, इस क्योंकि इसी राउटर की आईडी है ना। नेटवर्क आईडी क्या है, 200.1.2.0। तो इसको पता चल गया कि ये पैकेट मुझे किस नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड करना है, इस नेटवर्क के अंदर, ओके। इस मतलब ए कर दो, इसको बी कर दो, ए नेटवर्क के अंदर ये पैकेट फॉरवर्ड करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए जब भी किसी भी आईपी को हम 255 से एंडिंग करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा। जैसे 200 को 255 से किया 200 ही आ गया, 1 को 255 से किया 1 आ गया, 2 को 255 2 आ गया, ध्यान रखना। पर यहाँ पे 255 हो तो भी सेम आईपी आएंगे, बाकी आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ना। ये मैं रहने देता हूँ और आईपी चेंज कर देता हूँ बस। मान लिया अब इस राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करना है, पैकेट 193 के अंदर, ओके 193 इस रेंज के अंदर आ रहा है, 193 ले लो या ऐसा ले लो 131, कोई भी ले सकते हो आप, इस रेंज के अंदर से कोई पैकेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब इस राउटर के पास ये क्या चाहता है, 131 नेटवर्क आईडी नेटवर्क के अंदर पैकेट सेंड करना। इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ सेंड करना, वो हम देखेंगे। तो इस आईपी को मैं बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 200.1.2. और मुझे 131 कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट बिट क्या हो जाएगी मेरे को 128, ओके। और 128 के अंदर दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 130, और एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 131। तो ये इसका आईपी क्या हो गया 131, ओके। ठीक है, चलिए हम अब एंड करते हैं। ये तो सेम रहेगा 200 255, क्योंकि 255 से हो रहे हैं। लास्ट वाला बिट देख लीजिए, लास्ट वाला बिट देखिए, 1 को 1 के साथ किया तो क्या आएगा 1, और बाकी 0 के 0, 0 0 0 0 और ये भी 0 और 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो नेटवर्क आईडी निकल के आ गई वो क्या आ गई, देखिए 200.1.2. क्या आ गई 128। तो अब देखिए आप इसकी नेटवर्क आईडी क्या निकल के आ गई, 200.1.2.128। यानी जिस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी 128 है वहां इस पैकेट को सेंड करना। देखिए 128 किसकी, इसकी है, इसकी क्या है 200.1.2.128, यानी पैकेट कहाँ सेंड करना ये। और बिल्कुल सही है, 131 वाला पैकेट इसी नेटवर्क आईडी के अंदर जाना चाहिए था। समझ में आ गया आपको, इस सबनेट मास्क इस तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ जिसके अंदर आपको, अभी जितने एग्जांपल्स आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ओके। चलिए जैसे कोई आईपी है, इसकी ले लेते हैं 200. क्यों, मैं क्लास सी की बात कर रहा हूँ, इसे क्लास सी के एग्जांपल ले रहा हूँ, 2. और होस्ट ही चेंज होगा, तो होस्ट आप देखिए, जैसे मैंने ले लिया 193, ओके। और अब इसका सबनेट मास्क क्या है, देखिए 200 सबनेट मास्क क्या है 255,
नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.128। तो इसके साथ मैं एंडिंग करूंगा 255.255.128। तो ये तो सेम आ जाएंगे 200, ये क्या है कि नेटवर्क आईडी, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ एंड, ये क्या जाएगा 1 और ये क्या जाएगा 2। और मुझे अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि एंड करने के बाद कौन से नेटवर्क के अंदर जाएगा। तो 193 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 128, 192, 1, 2, 3, 4, 6, ये क्या हो गया 193, 192 + 1, 193, और 128 को कैसे लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एंड कीजिए, 1 और 1 क्या होगा 1, बाकी सारे क्या हो जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नेटवर्क आईडी क्या निकल के आ गई, 200.1.2.128। तो ये पैकेट कहाँ जाएगा, जिसका आईपी है 193, वो कहाँ जाएगा, बी बी वाले नेटवर्क के अंदर ये पैकेट जाएगा। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबनेट मास्क का कंसेप्ट हम क्यों यूज करते हैं। ओके, राउटर्स राउटर यूज करता है सबनेट मास्क। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईए हो, प्रोग्रामर हो, या एसीएफ फॉरेस्ट हो, लेक्चरर हो, टेक्निकल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, या राजस्थान कंप्यूटर टीचर की हो, इन उन सभी के अंदर ये बेसिक चीजें हैं और वो आती ही आती है। ओके, थैंक यू।